इस वीडियो में हम विभिन्न प्रकार के परमाणुओं यानी कि एटम्स और उन्हें बनाने वाले फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में जानेंगे एटम्स वे छोटे छोटे अंश हैं जो हमारे आसपास की दुनिया में सभी चीजों को बनाते हैं वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं जो खाना हम खाते हैं जिन घरों में रहते हैं और ये स्क्रीन जो आपके सामने है सब कुछ एटम्स से बना है हालांकि हमारे आसपास की चीजें अपना रूप बदल सकती हैं उन्हें पिघलाया जलाया या तोड़ा जा सकता है लेकिन इनके एटम्स नहीं बदलते ये छोटे लेगो ब्लॉक्स की तरह होते हैं जब आप कोई मॉडल बदलते हैं तो एक लेगो हाउस लेगो कार में बदल सकता है लेकिन बेसिक ब्लॉक्स या एटम्स वही रहते हैं हमें अभी तक लगभग 114 विभिन्न प्रकार के एटम्स के बारे में पता है सबसे हल्का है हाइड्रोजन और उससे कई गुना बड़ा है यूरेनियम ऐसे मेटीरियल्स जो केवल एक ही प्रकार के एटम्स से बने हों उन्हें एलिमेंट्स कहा जाता है और वो मेटीरियल्स जो अलग अलग तरह के एटम्स से मिलकर बने होते हैं उन्हें यौगिक या कंपाउंड कहा जाता है हर एलिमेंट को उसके सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे कि सोडियम का सिंबल है एन ऑक्सीजन का सिंबल है ओ आर्गन का सिंबल है ए er, आर और जैसा कि आप समझ गए होंगे हाइड्रोजन का सिंबल होगा एच ज्यादातर एलिमेंट्स के सिंबल उनके इंग्लिश नाम के पहले लेटर के साथ शुरू होते हैं लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जिनके नाम किसी और भाषा से लिए जाते हैं जैसे कि लेड का सिंबल पीबी ऐसा इसलिए है क्योंकि लैटिन भाषा में लेड को प्लम्बम के रूप में जाना जाता है अगर पीरियोडिक टेबल पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि एलिमेंट के सिंबल का दूसरा लेटर हमेशा लोअर केस होता है पीरियोडिक टेबल का निर्माण एक रूसी वैज्ञानिक और आविष्कारक डिमित्री मेंदलीव द्वारा किया गया था सन अठारह में उन्होंने सभी एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में जमाया और उन्हें अलग अलग रोज में बांट दिया जिससे कि समान प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखा जा सके ऐसा करने से मेंटली उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट करने में सक्षम हो सके जो तब तक खोजे नहीं गए थे वैसे अगर हम सिर्फ एटम्स के बढ़ते साइज को ध्यान में रखें तो पीरियोडिक टेबल को कभी खत्म ही नहीं होना चाहिए लेकिन बहुत भारी एटम्स स्थिर नहीं होते और आसानी से टूट जाते हैं बिस्मत को आखिरी स्थिर एटम माना जाता है इसका कारण यह है कि एटम्स छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं ये कौन से पार्टिकल्स हैं वीडियो को यहीं रोकें और सोचें

हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास मूलतः जीरो है एलिमेंट्स को पहचाना जाता है उनके न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन्स के आधार पर प्रोटॉन्स की संख्या कभी नहीं बदलती इसका कारण यह है कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस वन और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है माइनस क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के न्यूक्लियस के चारों ओर स्वतंत्र रूप से घूमते हैं उनका किसी भी दूसरे एटम के साथ आदान प्रदान किया जा सकता है जिससे हमें उस एलिमेंट की केमिस्ट्री के बारे में में पता चलता है है एक एटम को आयन कहा जाता न्यूट्रॉन्स नहीं होते इससे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी एटम के न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन्स हैं ये उसकी केमिस्ट्री पर कोई प्रभाव नहीं डालते लेकिन वो न्यूक्लियस को एक साथ बांधने में मदद करते हैं जिसमें अन्यथा केवल पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन्स होते हैं जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं एक ही एलिमेंट के कुछ एटम्स के न्यूक्लियस में उसी एलिमेंट के कुछ और एटम्स की तुलना में अधिक या कम न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं इन्हें आइसोटोप्स के रूप में जाना जाता है इनके तो अलग अलग होते हैं लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल समान होती हैं और ये एक ही तरह के शो करते हैं तो अब तक आप समझ गए होंगे कि एटम्स प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं याद रखें इलेक्ट्रॉन्स का मास लगभग ना के बराबर है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स चार्ज्ड होते हैं Like in neutrons na.